हेलो, हाय, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाय, कैसे हैं सब लोग? आई होप कि ऑल आर फाइन एंड सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, आफ़ियत के साथ हैं। तो फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू से कि इस साल भी काफ़ी कम ट्रैवल किया, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया, और वो स्पिरिट ऑफ वर्किंग एंड मेकिंग द कॉन्टेंट वो भी बहुत लो रही, तो जिसकी वजह से ज़्यादा वीडियोस नहीं आई। और हाँ, मैं बहुत बार पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली मैं अपने आबाई गांव जो कि साउथ कश्मीर में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ गया बहुत बार, जहाँ वहाँ मेरे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं। एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों को पता है कि वहाँ पे काफ़ी जगहें ऐसी हैं जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, और जिन लोगों को नहीं पता कि वहाँ पे क्या क्या है, आई कुड हैव शोन देम, मैं उनको दिखा देता वो सारी। तो इस बार लास्ट टाइम कुछ दिन पहले हम तो वैसे भी प्लान्स विदाउट प्लान, मतलब विदाउट एनी सर्टेन प्लानिंग ही मेरी फैमिली ने किया कि हमें जाना पड़ा, बट मैंने उसी टाइम पे सोच लिया कि इस बार मुझे कोई ना कोई वहाँ पे वीडियो या कोई कंटेंट बनाना है। एंड यस, सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार जो जर्नी की पूरी फुटेज है वो मेरी मदर ने कैप्चर की है, एंड शी हैज़ बीन सो हेल्पफुल दीज डेज। इन दिनों उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है, और भी बहुत सारी पुरानी वीडियोस में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। इस बार जो जर्नी के टाइम पे जितना भी वीडियो लिया है तो वो सारा मेरी मदर ने लिया है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। तो आप वीडियो देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एटलीस्ट अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है मेरी वीडियोस को ऊपर ऑप्टिमाइज़ करेगा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा, मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट विल बी अ लीस्ट रिवॉर्ड फॉर मी फ्रॉम योर साइड, एंड आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। और आप वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मी एंड माय फैमिली वी आर हेडिंग टू अनंतनाग इस्लामाबाद। किसी काम से एक दो दिन के लिए ट्रिप पे जाना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आएगा होपफुली। कुछ खाने पीने के लिए लेंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे पार्किंग मिलना। अभी पार्किंग के लिए मैं यहाँ पे साइड में मैंने गाड़ी लगाई, तो इसी टाइम पे एक पुलिस वाला आया और उसने बोला कि मैं चालान काटूँगा। अब मैंने थोड़ा आगे बढ़ा के, बहुत थक गया मैं। मैं घर से ही सेवैया लेके आया था, तो अभी मैं खा रहा हूँ जब तक पापा आएंगे। वाओ, ब्यूटीफुल। गाइस, मैं यहाँ पे रुका हूँ थोड़ा सीन देखने के लिए, तो इसलिए वापस जा रहा हूँ। गाइज, हम फाइनली मटन पहुंच गए। ये जो इलाका है इसको मटन बोलते हैं, ये एक बहुत बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है, तो यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इंशाल्लाह कल सुबह मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। तो अभी हम सोने वाले हैं, काफ़ी टाइम हो गया है तकरीबन। यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली, तो उस हिसाब से हमने कपड़े वपड़े और टोपियाँ भी पहन ली यहाँ पर। और यहाँ पे पानी वानी का भी बहुत सीन है, काफ़ी पानी है यहाँ पे, मतलब रिवर्स हैं यहाँ पे, और कुछ
जगहें हैं यहाँ जहाँ पे बच्चे नहाते भी हैं वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। तो काफ़ी अच्छा एरिया है ये और बहुत ही बढ़िया एरिया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरा ननिहाल है। 11 बजने वाले हैं तो हम सो रहे हैं अभी, तो आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।